आपका नाम बताइए। राम सेवक यादव। अच्छा, यहाँ पे दिख के बोलिए। राम सेवक यादव। अच्छा, आप घर में कौन कौन है आपके? घर में माँ बाप सब हैं, गांव में हैं। अच्छा अच्छा, ये बिजनेस आप कितने सालों से करते हो? 8 साल से। 8 साल से पहले से इधर ही औरंगाबाद में ही हो? नहीं, बम्बई में था, पहले ट्रक चला रहा था तो छोड़ दिया, तो बिजनेस करने लगा। अच्छा, तो ये सबसे स्टार्ट किया बिजनेस तो कितने पैसों से स्टार्ट किया है? पहले मैं किया 20,000 से किया। अच्छा, तो वो पैसा पहले आपने जमा किया था उससे? नहीं, पहले मैं आके यहाँ पर अपना ये हाथ गाड़ी ढकेल के धंधा किया, उसके बाद में पैसा जमा करके फिर ये किया। हाँ, अच्छा अच्छा, अभी ये जब से स्टार्ट किया है ना, तो ये आप कलेक्ट कहाँ से करते हो ये भंगार आपको? अब ये मेरा भंगार जो जालना जाता है, उसके बाद प्लास्टिक जो है मुंडा नाका में ऐसे अलग अलग करके सब छटाई करके जाता है। अच्छा, प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, कांच का अलग, सब अलग अलग, पेपर अलग, किताब अलग, प्लास्टिक अलग, उसके बाद में टायर जो है अलग जाता है, भंगार अलग जाता है, जालना जाता है। अच्छा, तो औरंगाबाद के बाहर भी आपका सामान जाता है? नहीं नहीं, बाहर नहीं, जालना जाता है और मुंडा नाका में। अच्छा, और आपके पास कहाँ से आते हैं ये सब? मीन्स कोई गिराई आते हैं डायरेक्टली क्या, ऐसे ये लोग आके देते हैं? नहीं, ग्राहक आते हैं और चुनने वाली बाई जो लाके फिर अलग अलग छांट के मेरे को बेचती है दुकान पे। अच्छा अच्छा, फिर एक सबका जब आप लेते हो ना, इनको पैसे देते हो, तो सबका रेट अलग अलग होता है या सेम होता है प्लास्टिक? नहीं, सबका अलग, प्लास्टिक अलग, किताब अलग, पेपर का अलग, भंगार का अलग, सबका रेट अलग अलग है। अच्छा, आप किसी एक का रेट बता सकते हो किसका? हाँ, भंगार 20 रुपया किलो लेता हूँ, प्लास्टिक 14 रुपया किलो, भंगार 20 रुपया किलो, टायर 5 रुपया किलो, ऐसे पेपर का, पेपर 10 रुपया किलो। अच्छा, अलग अलग सब? हाँ। अच्छा, ये फिर आपको जो रेट मिलता है ना, आपको अलग रेट मिलता होगा ना इससे? हाँ, अब मैं ये जो पेपर अपना 13 रुपया किलो बेचता हूँ, प्लास्टिक 18 रुपया किलो बेचता हूँ, और टायर 8 रुपया किलो बेचता हूँ ऐसे। अच्छा अच्छा, तो इस सब में आपको मैथ्स, तो आपका गणित, आपका जब स्कूल में, तो वो आपका गणित सब्जेक्ट अच्छा होगा आपका फिर? नहीं, पढ़ाई में उतना नहीं किया, 8 तक पढ़ाई किया, उसके बाद में फिर घर का थोड़ा मजबूरी था, मैंने शहर में चलाया, बम्बई में गया, ट्रक चलाया, वो भी नहीं उतना वो हुआ, तो फिर आके यहाँ बिजनेस करने लगा। अच्छा, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे से संभाल रहे हो ना ये सब? मीन्स ये सब काउंटिंग करना, पैसों का काउंटिंग, ये सब तो अच्छे से आता है ना आपको? ये तो हाँ, ये तो पूरा आ जाता है, जैसे माल भेजा 10,000 का या 20,000 का, तो अपना हिसाब करके फिर ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो आपको जितना लगता है अभी हमारे, उतना हो जाता है आपका? हाँ, महीने का 12-15 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। अच्छा, ऐसे Thank you very much.